हेलो गाइस, पहले नीतीश मंडी न्यूज़। तो गाइस आज हम बात करेंगे क्रिस इवांस से रिलेटेड काफ़ी कमाल के अपडेट के बारे में। तो आप सभी जानते हो कि जब एवेंजर एंड गेम की शूटिंग कंप्लीट भी नहीं हुई थी तो क्रिस इवांस ने इन्फिनिटी वॉर की शूटिंग खत्म करने के बाद एक ट्विटर अकाउंट पर अपना एक स्टेटमेंट दिया कि मुझे सेट पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और देन मैं ये दिन हमेशा याद रखूंगा। तो काफ़ी लोगों की प्रेडिक्शन ये थी कि शायद क्रिस इवांस इस कैरेक्टर से रिटायरमेंट हो चुके हैं और शायद मार्वल फेज 4 में उनका कोई भी कैमियो या अपकमिंग मूवी नहीं आएगी। पर आज का दिन क्या है, केविन आउट उनकी एक नई मूवी आई है अपकमिंग, जो कि काफ़ी कमाल की है और ये मूवी हिंदी में भी रिलीज़ होगी, मैं आपको पहली बता दूं। साथ ही साथ उन्होंने एक इंटरव्यू दिया अभी हाल ही में, उस चीज़ में उनसे पूछा गया कि आपकी जो अपकमिंग डिज्नी प्लस टीवी सीरीज आ रही है कि आपका कुछ उसमें हो सकता है या नहीं। तो उन्होंने मतलब इनडायरेक्टली ये बोला कि हाँ, यानी कि उनका एक कैमियो कन्फर्म है। और साथ ही साथ आपको बता दूँ फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर की आज के दिन कुछ नई सेट फुटेज भी आई है, जिसमें कि हमें माइकी जो कि फाल्कन का रोल प्ले करते हैं उनका एक नया लुक नज़र आया है, जिसमें एक हेयर कटिंग, उन्होंने एक जैकेट पहन रखी है और विंटर सोल्जर की भी पहले आ चुकी थी सेबेस्टियन की, तो वो भी आपने देख ही ली होगी। तो ये काफ़ी कमाल का है। पर ये इंपॉर्टेंट आज का अपडेट ये है कि क्रिस इवांस फाइनली रिटर्न हो रहे हैं। ये कैमियो होगा जो कि ओल्ड कैप्टन अमेरिका का होगा, तो काफ़ी कमाल का ये कैमियो होने वाला है। अब 8 एपिसोड या 6 एपिसोड होंगे इस टीवी सीरीज में जो कि कमाल के होंगे और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एपिसोड होगा कैप्टन अमेरिका का मेरे लिए। तो गाइस कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देखो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे पेज को लाइक करें। इसलिए मैं आपको ये वीडियो पसंद आते तो भी लाइक और शेयर करो। जो बंदी इस वीडियो को नहीं देख रहे हो या तो उस पर कैप्टन अमेरिका के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।